कैसे आए हो तुम लोग कैसे सर आप सुपर यार लुकिंग नाइस सर जिम से निकल के आया नाइस तो क्या बात था मैम नहीं आए साथ में जिम नहीं मैं यहाँ पे अकेला ट्रेन करता हूँ विवेक सर जिम में जाने के बाद स्मार्ट ही लगते हैं ना क्या जी इतना हार्डवर्क करके आते हैं ऊपर से स्मार्ट लगेंगे ना सर मैं पसीने का ग्लो है ये सर ओटीटी चालू हो गया बिग बॉस ओटीटी पे हाँ मैंने नहीं मैं एक्चुअली बिग बॉस का नहीं मैं नहीं देखता हूँ ज्यादा यार मेरे सारे दोस्त देखते हैं मेरी फैमिली भी देखती है बट मैं नहीं देखता हूँ ज्यादा बिग बॉस आपके कोई फ्रेंड है उसमें जो गया है मुझे एक्चुअली पता ही नहीं इस बार कौन लोग गए हैं तो जब मुझे पता चलेगा कौन कौन लोग हैं तो फिर उनमें से पॉइंट आउट करके बता पाऊँ सर जी बात होगी बिग बॉस के बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी तो मैम गए थे मैम ने काफ़ी अच्छा खेला है गुड परफॉर्म किया तो सर इस बारे में सर क्या कुछ कहना इसके बारे में फिंगर्स क्रॉस लेट्स सी बहुत अच्छा किया उन्होंने और उनको बहुत तारीफें भी उनकी हो रही हैं सराहा जा रहा है रोहित सर के एक्सप्रेशन तो देखने को आपको मिलते ही हैं कि यू नो ही इज़ ऑलवेज इम्प्रेस्ड एंड अफकोर्स शी इज़ अ ह्यूमन तो 100% तो कोई भी नहीं कर सकता बट आइडिया यही था कि वहाँ जाके अच्छा एक्सपीरियंस करके आया जो उन्होंने किया और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी शी इज़ ओवर द मून अबाउट इट कि वो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टंट्स किए जो अगर आप पैसे भी देंगे किसी को तो भी नहीं आप कर पाएंगे सर स्टंट की बात की है आपने तो मैम ने कौन सा सा स्टंट आपको बताया कि ये करने में काफ़ी डर लगा या काफ़ी इन्जॉय किया स्टंट का जो लास्ट स्टंट था जो अच्छा नहीं हुआ वो बताया था उन्होंने कि उनका लिगमेंट का इशू था उसके अलावा कुछ और आगे स्टंट्स हैं जो मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है तो आई अर्ज ईच वन ऑफ यू जो लोग देख रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी फ्रॉम अवर साइड तो आप लोग ज़रूर देखिएगा सर आपके सीजन की शूटिंग कैसे चल रही है पवित्र रिश्ता जो हाँ अच्छा जी अच्छा जा रहा है यार मेरा एक कैमियो रोल है उसमें मैं अगेन आई कांट रिवील टू मेनी डिटेल्स विदाउट बिना उनसे बात की हमारे जो मेकर बट अच्छा कैरेक्टर है मेरा कुछ अलग करने को मिल रहा है कुछ नया है और लेट्स होप ये अच्छा निकल गया है मस्ती की है सेट पे अंकिता से मैडम के साथ मस्ती हाँ हमने एक्चुअली मुझे कुछ 3-4 दिन हुए हैं और हम लोग मशरूफ रहे हैं अपने शूट के साथ तो अभी मस्ती का टाइम नहीं मिला है लेकिन प्लान है कुछ मस्ती करने का साथ में यू नो विल मेक सम रील्स कुछ ऐसे होता है ना जो बिहाइंड द सीन्स वाली थैंक यू सर थैंक यू